लोक से ब्रह्मा जी आए ए भेद पढ़ाए जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे पर्वत से भोले जी आए उत्सव है, सब लोग प्रसन्न है, लेकिन केकई मैया कोप भवन में लेटी राजा दशरथ पहुंचे। देवी क्या बात है? बोले नाथ हमने सुना है कि राम का राज तिलक है। बोले हाँ, तो आप एक काम करिए। बोले क्या? हमारे जो दो वरदान हैं वो आप मुझे दे दीजिए। अरे देवी, दो नहीं चार मांग लो, चार नहीं छह मांग लो, जितने वरदान चाहिए वो मांग लो, उन्हें सिर्फ दो दे दो। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को ना बहकाओ, यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। राम की सौगंध खा जाइए। जवाब दिया, कि आप कैसी बात करती हो, हमारे दो वरदान दे दो। अच्छा दादा, सब जानते होंगे कि राम जी जो वनवास गए थे वो किसकी वजह से गए थे? केकई की वजह से, है ना? यही सबको पता है। तो
अच्छा के कई की वजह से राम जी वनवास गए थे, ये हाथ उठाना किस किस को पता है? हाथ उठाना बताओ, के कई की वजह से गए थे ना, अरे तो बता दो ना, हाथ उठा दो, बताओ हाथ उठाओ जिसको पता है कि के कई की वजह। हम तो हर साल मतलब एक साल छोड़ के तो आए थे, पिछले तीन साल तो लगातार आए। महाराज अगर देखा जाए, ध्यान से सुनना बुजुर्गों, प्रमाण है कि राम जी को जितना प्रेम मैया केकई करती थी उतना प्रेम करने वाला कोई दूसरा आज तक नहीं हुआ। जितना प्रेम राम जी और मैया केकई दूसरे को करते थे। राम जी पैदा हुए थे उस समय से और जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक मैया केकई के साथ ही सोते थे, जान बसती थी केकई मैया के राम। अब ध्यान देना, ये वनवास का कारण राम रहे होंगे ढाई वर्ष के, तो मैया केकई के साथ ही सोना होता था उन्हें रोज। एक दिन कौशल्या मैया की इच्छा हुई तो केकई मैया से कहा कि आज राम को हमें दे दो, मैं सुलाऊंगी। बोले ले जाओ। अब ढाई वर्ष के राम मैया केकई ने जैसे ही कौशल्या को दिया, जबकि कौशल्या का बेटा है राम, महाराज लेकर के मैया 8 बजे सेन कक्ष में पहुंची। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बज गए, राम जी करवटें बदल रहे लेकिन नींद ना आई रही। तो पूछ लिया कौशल्या जी ने, लाला भूखे हो? नहीं। पानी चाहिए? नहीं। नींद नहीं आ रही? सो जाओ। ए तो सो जाओ ना। कोई नहीं माँ, सो जाऊंगा। ढाई वर्ष के, 12 बज गए, 1 बज गया, राम जी नेत्र खोले लेटे, समझ गई मैया के जी बिना के कहीं सोए वालो ना। रात्रि के 2 बजे उठाया लाला को, केकई के सेन कक्ष की तरफ चली। ध्यान देना बुजुर्गो, कुंदी खटखटाई है, गेट चौपट खुले थे और चारपाई की पाटी पकड़ के मैया केकई हिचकी लेके रो रही थी। रोने की आवाज बाहर तक आई, कौशल्या बोली, अरे ओ केकई। बोले हाँ बहना, क्या हुआ? बोले ये ले, ये तो सो ही नहीं रहा, तूने क्या खिलाया इसको? इसे तेरे पास ही सोना है, ये नहीं सोएगा। महाराज झपट के मैया केकई ने राम को छाती से लगाए लियो, लाला तेरे बिना तो हमें एक पल नींद ना आवे, जो 6-7 घंटा हमें पूछ ले कैसे करते। छाती से जब लगायो, कौशल्या खड़ी खड़ी देख रही है, दादा 15 मिनट तब हुए जब राम जी मैया केकई के आंचल से लग के सोए गए। नजारा देखने लायक। समय बीता, समय के अनुसार 4 वर्ष के राम। एक दिन मैया केकई दाल भात खिला रही है राम को, तो राम जी ने 4 चक्कर मैया के लगाए, मैया ने मुंह में कौर डालो, फिर 4 चक्कर मैया के लगाया। बालक ऐसे ही खाता है, थोड़ा सा माँ मुंह में डाल दे फिर खेलेगा। आजकल तो ऐसा हो गया कि न तो फोन नहीं दोगे वो खाना भी नहीं खाएगा। तो मैया ने एक टुकड़ा मुंह में डाला, 4 चक्कर राम ने लगाए, फिर मुंह में डाला, फिर राम ने 4 चक्कर लगाए और पीछे से मैया केकई के नेत्र बंद किए। कितने बड़े हैं? 4 वर्ष के। पीछे से नेत्र बंद करके राम बोले, मैया बता मैं कौन हूँ? अब केकई तो इतनी प्यार करने वाली, इतना प्रेम करती, और जो माँ होती है ना वो बच्चे के स्पर्श से, छोड़ो बच्चे के शरीर की खुशबू से बता सकती है कि मेरा बेटा है या नहीं है। तो स्पर्श था लाला का, मैया को पता है ये राम है, लेकिन बातें बनाए कि बोली मो को पता है तू मेरो भरत है। सो राम मुस्कराए के सामने खड़े, बोले ये ले, हार गई
मुझे पता है मैया तू मुझसे हारी बैठी है। के कई बोली लाला तू इस जन्म हारने की बात करता है, अगले 7 जन्म छोड़ दे, 100 जन्मों तक हारना पड़ जाए तो मैं हारने के लिए तैयार हूँ। बोले इतना प्रेम करती बहुत ज्यादा।